दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 80CCE, 80CCD 1B, 80CCD 1 एंड 80CCD 2। तो बहुत सारे लोगों को इन सेक्शंस को लेकर कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि मैक्सिमम डिडक्शन हम इन सेक्शन को अगर ऐड कर दें तो कितनी क्लेम कर सकते हैं। और वहीं ये जो सेक्शंस होते हैं आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट भी होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स अपना टैक्स सेव करने के लिए एंड मोमेंट पर जाकर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्च एंड पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, जिससे कि उनको लॉन्ग टर्म में जो है पछतावा होता है कि हमने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसीलिए आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो आप प्रॉपर प्लानिंग से करिए, टाइम रहते ही कीजिए। एंड मोमेंट पर आप किसी के कहने पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको बाद में जो है उसको रिग्रेट करना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इन चारों ही सेक्शंस के बारे में कि मैक्सिमम डिडक्शन आप जो है इन चारों ही सेक्शन के अंदर कितनी क्लेम कर सकते हैं, ताकि आपका भी अगर ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो वो कन्फ्यूज़न जो है आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा इन सेक्शन को लेकर कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जान लेते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80CCE के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 80CCE जो है अपने आप में एक सेक्शन है, बट इस सेक्शन के अंदर आप देखिए कि ये जो सेक्शन है ये तीन सेक्शन को मिलाकर बना हुआ है। सबसे पहले तो सेक्शन 80C इसके अंदर कवर हो जाता है, प्लस सेक्शन 80CCC इसके अंदर कवर हो जाता है, और प्लस सेक्शन 80CCD 1। ये तीनों ही सेक्शन जब ऐड हो जाते हैं तो इन सेक्शन को मिलाकर एक सेपरेट सेक्शन बन जाता है 80CCE, जो कि ये कहता है कि मैक्सिमम जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं वो 1.50 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इंडिविजुअली अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 80C की, तो सेक्शन 80C एक फेमस सेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे पर्सन अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं और जो मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ पर क्लेम करते हैं वो 1.50 लाख का करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप ELSS में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम मीन्स आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है कम से कम, PPF आप परचेज़ कर लेते हैं, या आप क्या करते हैं अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में है तो एज एन एम्प्लॉई आपको प्रोविडेंट फंड में आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, LIC परचेज़ कर लेते हैं, अगर आपने कोई होम लोन लिया उसके प्रिंसिपल की पेमेंट करते हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर देते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पे आप जो है पैसा डलवा देते हैं अपनी बेटी के लिए, नेशनल सेविंग स्कीम ले लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन जो होते हैं सेक्शन 80C के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके पास होते हैं जहाँ पर आप मैक्सिमम 1.50 लाख तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक सेक्शन 80CCC है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पेंशन फंड होते हैं, जैसे LIC का भी एक अपना अलग से पेंशन फंड है, तो इन पेंशन फंड के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी आप जो है मैक्सिमम 1.50 लाख तक की डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक सेक्शन 80CCD 1 आ जाता है जहाँ पर आप अटल पेंशन योजना स्कीम के तहत जो है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर और कोई स्कीम होती है जो कि नोटिफाई की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लूँ तो NPS, जैसे NPS के अंदर क्या होता है कि अगर आप इम्प्लॉयर इम्प्लॉई के रिलेशनशिप में हैं या नहीं भी हैं तो उस केस में भी देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही केसेस में जो है बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इम्प्लॉयर इम्प्लॉई के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर 80CCD 1 के अंदर क्या होता है, जो इम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट इम्प्लॉई हैं तो उस केस में 10% ऑफ बेसिक प्लस DA का आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहीं अगर आप एक गवर्नमेंट इम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट इम्प्लॉई 14% ऑफ बेसिक प्लस DA का जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं है कि एक सैलरीड इम्प्लॉई होगा वही कर सकता है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में भी आप अपनी 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम जो भी आपकी होगी तो उसका 20% का कंट्रीब्यूशन आप जो है 80CCD 1 के अंदर कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो तीनों ही सेक्शन को मैं ऐड कर दूंगा तो वो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तीनों ही सेक्शन को ऐड करने के बाद एक सेक्शन आ जाता है 80CCE। तो तीनों ही सेक्शन में अगर आप 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर भी देंगे तो इस तरीके से आपने 1.50 लाख तीनों ही सेक्शन के अंदर अगर इन्वेस्ट किया तो इस तरीके से आपने 4.50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, बट मैक्सिमम डिडक्शन आपको जो इनकम टैक्स में मिलेगी दोस्तों टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी 1.50 लाख तक की। तो या तो आप 1.50 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर लें या यहाँ कर लें, या फिर यहाँ पर आपका अगर इम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, या फिर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको जो करनी है वो 1.50 लाख की ही करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो इन तीनों ही सेक्शन को जोड़कर आप चलेंगे तो ध्यान रखें आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करें तीनों ही सेक्शन के अंदर, बट जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलने वाली है वो 1.50 लाख की मिलने वाली है सेक्शन 80CCE के अंदर।
तो चलिए ये मेरा पहला सेक्शन जो है कवर हो गया। अब इसके अलावा और भी हमें डिडक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाती है, तो वो जो डिडक्शन अवेलेबल होगी उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन होता है 80 CCD 1B। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं NPS के अंदर फर्दर, तो उस केस में फिर सेक्शन 80 CCD 1B के अंदर फर्दर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवर एंड अबव 1.50 लाख। तो 1.50 लाख तो आपने यहाँ पर इन्वेस्ट ऑलरेडी कर लिया था तीनों ही सेक्शन को मिला के। उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टैक्स सेविंग करने के लिए, तो आप NPS अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं Tier 1 अकाउंट। ये आप किसी पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं, किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। तो ये आपका NPS अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पूरे साल के अंदर वो 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही सेक्शन को मिला के मीन्स 80 CCE को मिलाकर और 80 CCD 1B को मिलाकर दोनों ही सेक्शन को अगर आप ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन जो है आप क्लेम कर लेंगे। इसके बाद एक सेक्शन और बच जाता है। तो देखिए एक सेक्शन जो और बच जाता है वो आता है दोस्तों सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। तो देखिए ये आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS के अंदर। तो NPS के अंदर जो एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन था वो 80 CCD 1 के अंदर चला गया था, जो कि यहाँ पे आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम 1.50 लाख तक की आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी सेक्शन 80 CC के अंदर। अब उसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर कवर हो जाता है। यहाँ पर भी जो बेनिफिट आपको मिलता है, जो आप ऑलरेडी ऊपर 2 लाख का बेनिफिट ले चुके हैं उसके एडिशन में फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर 14% ऑफ बेसिक प्लस DA का कंट्रीब्यूशन कर सकता है। वहीं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है तो उस केस में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 10% रहेगा बेसिक प्लस DA का। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है कि आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपकी बेसिक प्लस DA अगर मैं मान के चलूँ वो 50,000 पर मंथ है, या ईयरली आप बोले तो 6 लाख रुपीज़ जो है पर एनम है। तो उस केस में अगर आप 6 लाख का 10% कर देंगे तो ये आपका 60,000 जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप तीनों ही सेक्शन को ऐड कर देंगे 80 CCD 1 प्लस 80 CCD 1B प्लस 80 CCD सबसेक्शन 2, तो इन तीनों ही सेक्शन को ऐड करने के बाद देखिए आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी जो आपको टैक्स सेव करके देगी वो हो जाएगी 2,60,000 रुपीज़। तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है देखिए दोस्तों ये आपकी चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये आपकी बेसिक प्लस DA के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कितना है। सपोज़ यहाँ पर अगर बेसिक प्लस DA वो 6 लाख ना होके अगर 12 लाख रुपीज़ होता तो उस केस में फिर यहाँ पर आपको जो डिडक्शन मिल जाती वो 1,20,000 की मिल जाती। तो इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये टोटली आपकी बेसिक प्लस DA जो है अमाउंट है बेस अमाउंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी ये 1.50 लाख और 50,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से देखिए आप इन तीनों ही सेक्शन को मिलाकर मेरे केस में मैं बात करूँ तो 2,60,000 तक की डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हैं। अगर अब आप हाई टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, सपोज़ आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, तो आप देखिए कितना टैक्स आप जो है यहाँ पर सेव कर लेंगे। तो 2,60,000 तक की आपने तीनों ही सेक्शन को मिलाकर इन्वेस्टमेंट कर ली। अब सपोज़ आप 30% टैक्स स्लैब में अगर फॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको जो टैक्स की सेविंग रहने वाली है वो रहने वाली है 78,000 रुपीज़ प्लस 4% एजुकेशन सेस हो जाएगा, तो 3,120 ये हो गया। तो आपकी अगर मैं बात करूँ पर एनम की सेविंग तो 81,180 आपकी पूरे साल की सेव हो गई, पर ईयर की सेविंग हो गई। अगर मैं मंथली की बात करूँ तो 6,760 कि आपकी मंथली सेविंग हो जाएगी टैक्स की अगर आप इन तीनों ही सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इन तीनों ही सेक्शन को लेकर बहुत सारे लोगों को एक हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता था, मैंने इस वीडियो के ज़रिए जो है वो कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश की है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई डाउट है आपको इन सेक्शन को लेकर तो ज़रूर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।